हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गड्डी वाला में। आज मैं आपके लिए बजाज डोमिनर की फ़र्स्ट लुक लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको इसकी पूरी फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँगा कि इस बाइक में क्या कुछ है। इस बाइक का कलर मिडनाइट ब्लू है, जो कि काफ़ी अच्छा कलर है। और जो इसमें इंजन यूज़ किया गया है वो 400 CC का इंजन यूज़ किया गया है। और ये इसका पिछला टायर है क्योंकि ये बजाज डोमिनर में 400 CC का इंजन है, जो कि काफ़ी हैवी इंजन है। और इसमें रेडिएटर का भी यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो ये रेडिएटर है इस बाइक का। और इसके अगले टायर में ABS सिस्टम यूज़ किया गया है, जो ये एंटी ब्रेक सिस्टम है इसके अगले और पिछले दोनों टायरों में यूज़ किया गया है। जो अगले टायर का ABS सिस्टम है, जो उसके डिस्क है, उसका डाया पिछली टायर के ABS डिस्क से थोड़ा बड़ा है। और जो इसका हेडलैम्प है वो इसकी काफ़ी अच्छी हेडलैम्प है, क्योंकि इसमें 4 LED ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन सिस्टम यूज़ किया गया है। ये इसका हेडलैम्प है। और ये इसका ABS। ये इसका रेडिएटर है। और ये इसका फ्रंट ABS सिस्टम है। और ये इसकी वायर है। ये इसका हेडलैम्प है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है आगे से। और यहाँ पे इसका कूलेंट डलता है रेडिएटर का। जो ये इसका इंजन है, जो कि 400 CC है, इसमें ट्रिपल स्पार्क DTSI इंजन यूज़ किया गया है, जो कि क्लोज्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ है। और इसमें 6-स्पीड गियर बॉक्स भी यूज़ किया गया है। इसका और यहाँ पे इसका ब्रेक ऑयल डलता है। और इसमें सिंगल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया गया है। और ये इसका एग्जॉस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसके पिछले टायर में भी ABS सिस्टम यूज़ किया गया है, पर जो इसकी डिस्क है वो अगले टायर से थोड़ी सी छोटी है। और हम इसे पीछे से देखें तो ये पीछे से देखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसके पिछले लाइट में भी LED यूज़ की गई है। ये बाइक ओवरऑल दिखने में बहुत अच्छी है और दूसरी बाइकों के मुकाबले काफ़ी हैवी दिखती है। और इसमें डिजिटल मीटर यूज़ किया गया है, जिसमें स्पीड के साथ साथ इसके RPM भी शो करते हैं, क्योंकि ये बाइक फुल्ली सेंसर बाइक है, इसलिए इसमें ABS सेंसर, सिंगल स्टैंड सेंसर के साथ साथ कुछ और सेंसर भी हैं। और यहाँ पे ये सेंसर शो करते हैं। यहाँ पे इसका ABS सेंसर ऑन और यहाँ पे इसका सिंगल स्टैंड सेंसर ऑन का यहाँ पे शो करता है। इसकी टैंकी भी काफ़ी बड़ी है और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसकी कैपेसिटी 15 से 18 लीटर के बीच में है। और इसमें यहाँ पे इसका हेडलैम्प ऑन स्विच दिया गया है। और ये स्विच इसका कट ऑफ का है, इंजन कट ऑफ का स्विच है। और यहाँ पे इसके डिजिटल मीटर में यहाँ पे टाइमर भी दिया गया है। अगर हम इस बाइक को देखें तो ये देखने में बहुत अच्छी बाइक है और दूसरी बाइकों के मुकाबले काफ़ी हैवी दिखती भी है। और इसका जो प्राइस है, और जो इसका स्टैंडर्ड प्राइस है विदाउट ABS, वो 1.5 लाख के करीब है।
और जो इसका विद ABS प्राइस है वो 1,60,000 के बीच है। और ये आपको इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं इस बाइक में, और ये दूसरी बाइकों के मुकाबले काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी कुछ आपको दे रही है। बजाज डोमिनर ओवरऑल बहुत अच्छी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।